चलो चलो दोस्तों, वो मोर हमारा भाग गया आज फिर से। वो रहा। भी यार सैफिन के घर जाना पड़ेगा। ओए ऊपर ना जाइए, ऊपर नहीं जाना। ओ तेरी है यार, इसका आज कोई काम खत्म करते हैं, इसका निपटाना पड़ेगा। हां ना ये एंड पे वो उड़ गया। सा किधर आओ यार। और फीमेल जो है ना वो मैं लेके आ भी चुका हूँ। ये देखो दोस्तों, हमारे कबूतरों के प्यारे प्यारे से बच्चे, माशाल्लाह इस बार दोनों वाइट बच्चे आए। हमेशा देखे दोस्तों, हमारी दो दो मुर्गियां इस टाइम कुड़क हुई हुई है। जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। तो ना करो, कहाँ पे है मोर? मोर मुझे लगता है यार केज में नहीं है। ओ शिट यार, यहाँ पे तो मोर नजर ही नहीं आ रहा मुझे। वहां से आवाज आई है सैफ, उधर से आवाज आ रही है। चलते हैं उस साइड पे, चलते हैं। ऊपर बैठे हुए। ओ यार चलो चलो दोस्तों, वो मोर हमारा भाग गया आज फिर से। तो चेक करते हैं यार ये कहाँ पे गया। अब इस गली में जाके देखते हैं कहाँ पे होगा। साहब भैया आपने देखा मोर? नहीं देखा यार, यहाँ पे ऊपर आया किस जगह पर। वो रहा। ये रहा है मोर हमारा, ये आज फिर ऊपर चढ़ा हुआ है। हाँ ये ऊपर है, ये रहा। तो ये आज पता नहीं कैसे बाहर आया, कैसे है। तो ये आपकी छत पे था? ये इधर इनके छत पे चढ़ा हुआ था। अभी यार सैफ इनके घर जाना पड़ेगा। वहाँ वो तो जाएगा, ये स्कूल पे चला जाएगा। ओह ये चढ़ा हुआ, ये जो है ना तीसरी छत पे अभी जाएगा। ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है सैफ। अभी इसको पकड़ेंगे कैसे? इस छत पे जा भी नहीं सकते हम। ओह ऊपर ना जाइए, ऊपर जा रहे। वो देख, वो ऊपर देख रहे। छल्ली मारनी पड़ेगी। नहीं नहीं वो ऊपर ना जाए ना, ये ऊपर नहीं जाना। ओ तेरी है। अभी ये दूसरी छत पे आया, अभी वो तीसरी छत पे चला गया। अभी क्या करेंगे? सब मुर्गियाँ मुर्गे शोर मचा रहे हैं। अभी ये हमारे कबूतर यहाँ पे बैठे हैं, वो अब देखते हैं अभी यहाँ से कैसे लाना पड़ेगा। सैफ जरा अब इसका क्या करें? ये देखो तीसरी छत पे बैठा हुआ है अभी। यार इसका आज कोई काम खत्म करते हैं, इसका निपटाना। हाँ ना यार, इसके रोज के ड्रामे हैं और ये जो है ना हमें इसने परेशान किया हुआ है। एंड पे वो उड़ गया। सा किधर आओ यार, इधर से किधर गया? इधर से इनके घर गया ना। ये देखे अभी इस स्कूल से यहाँ पे आ गया। वो रहा, देखे ये चला गया, ये छोटा सा। अभी ये कहाँ पे गया देखते हैं। तो अभी यार ये मोर जिसने पकड़ा है, वो ये बच्चे हैं सारे, इनको मैंने घर भेजा था। तो बेचारे की दुम भी थोड़ी टूट गई है, लेकिन चले बचे तो होगी। ये हमारा मोर जो है ना वो पकड़ा ही दे गए। ताऊ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये वजह थी जिसकी वजह से हमें मोरनी लानी पड़ी है, और वो मोरनी कैसी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और सबसे मेन वजह जो थी इसकी ना, वो भागने से भी ज़्यादा शोर करने की थी। ये बहुत ज़्यादा शोर करता था, सब मोहल्ले वाले मुझे गिला करते थे कि भाई आपका जो है ना मोर बहुत ज़्यादा शोर करता है। तो इस वजह से हम जो है ना इसकी फीमेल लाएंगे, और फीमेल जो है ना वो मैं लेके आ भी चुका हूँ। और वो ईद के एक दिन पहले मैंने लाई थी, तो आपको दिखाता भी हूँ। अभी हम करते हैं इसको पहले केज में छोड़ते हैं। ओ ये क्या चीज़ है साग भाई, ये क्या ले आए यार? मोर की जो है ना मोरनी आ चुकी है, फीमेल आ चुकी है। और ये देख ले माशाल्लाह, ग्रीन एमरेट इसकी नस्ल है, और ये बहुत ही प्यारी माशाल्लाह एडल्ट फीमेल है। इसको अभी हम जमीन पे छोड़े, पिंजरे में छोड़े, केज में कहीं ये भी भाग ना जाए। हाँ ना यार, हमारी मोर अभी उसको इतनी मुश्किल से पकड़े, इतना उसने हमें परेशान किया है। लेकिन ये है बहुत ही प्यारी, इसको आप करीब से भी देख लें। इसके फुल जो है ना वो सर का ताज भी कम्प्लीट है, और किले शिले भी आई हुई फुल फीमेल है। ये बहुत जोर में है यार, इस टाइम बहुत गंदे पंजे मार रही है। अभी मेरे से खून भी निकाल दिए। अभी चलते हैं अंदर। आओ केज पहले ओपन करो यार, पहले केज ओपन करो, फिर हम इसको। ये देखें दोस्तों, या जा जाओ 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 जाओ। ओ माशाल्लाह, ऊपर चढ़ के बैठ गई माशाल्लाह। दोनों जो है ना वो दोस्तों सेटल हो चुके हैं। और इस केज भी यार बहुत छोटा है यार, यार सैफ ये तंग तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में हम जो है ना इन दोनों मोरों को, ये जो हमारा बड़ा वाला मास्टर केज है ना, इनमें शिफ्ट कर लेंगे, और फिर जो है ना ये वहाँ पे खुश रहेंगे। अभी देखें इनके पाँव भी सारे खराब हुए हैं, सारे पक्के फर्श के जो है ना ये निशान है ये देखें।
तो जब इंशाल्लाह ये मट्टी वाले फर्श पे जाएंगे, इनके पाँव भी ठीक हो जाएंगे और वहाँ पे ये जो है ना अच्छे से ब्रीड भी कर पाएंगे। और अभी चलते हैं यार, आपको एक और चीज दिखानी है सैफ, अब चलते हैं। वो चीज ऐसी, उससे पहले गाल दरवाजा बंद कर लो ना मोरों का, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखा दोस्तों हमारे कबूतरों के प्यारे प्यारे से बच्चे, माशाल्लाह इस बार दोनों व्हाइट बच्चे आए हैं। हमेशा ऐसे होते हैं ना सैफ के काले बच्चे देते हैं, इस दफा दोनों के दोनों व्हाइट बच्चे आए हैं। अभी इनको निकाल के मैं दिखाता हूँ, ये देखो ओए बेचारे इतना डर रहे छोटी 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 इनता भी कबूतरों का मैं जो है दूर दूर रखता हूँ, तो इनका जो है ना एक सेक्रेटरी सिस्टम थोड़ा सा जो है ना वो कमजोर होता है। ये देखे ओए ओए, कैसे लगे साहब आपको दोनों बच्चे? यार माशाल्लाह से बड़े क्यूट बेबी। इनको अभी वापस भी छोड़ना है, ये देखे ये परेशान हो रहे हैं। ये जाओ भाई, जाओ 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 जाओ, ये लो जाओ घर में। ये दोनों जो है ना बच्चों को हमने छोड़ दिया है वापस। देखे दोस्तों हमारी दो दो मुर्गियां इस टाइम कड़क हुई हुई है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों ने दुआ करनी है हमारे मोर जो है ना अंडे दे। दोनों के नीचे मैं जो है ना पांच पांच छह छह अंडे रखूंगा और बच्चे निकालूंगा। अभी इनको बाहर छोड़ते हैं, आ जाए जाओ भाई, लड़ाई नहीं करना बाकी यार। ये दोनों कड़क हुई हुई है अभी दोस्तों मुर्गियां, इसका तो अभी यार 6-7 दिन भी नहीं हुए थे, इसे दोबारा मतलब थोड़े से अंडे दिए फिर कड़क हो गई है ये। अच्छा। और ये वाली तो महीने दो हो गए, ये अभी तक कड़क ही है। ये कड़क ही नहीं खत्म हो रहा है इसका। जाओ जाओ भाई, वो देख वो भाई, इसको थोड़ा सा पानी में गोते वगैरह लगाओ ना। अच्छा फिर कड़क फिर खत्म हो जाता है। सैफ जो मैंने आपको मुर्गी दी थी उसका क्या हुआ है? यार वो भी अंडों पे बैठी हुई है, उसके बच्चे नहीं निकले यार। 25 अंडे रखे हैं, बच्चे निकले हुए हैं, बच्चे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो फैंसी कुछ फैंसी रखे थे, कुछ असील रखे थे। अच्छा तो अभी से जो है 20 बच्चे निकले थे, तो अभी मेरे पास जो है 12 ही रह गए। 12 बच्चे रह गए, तो आप कहना दोबारा अंडों पे बिठा दिए? दोबारा बिठा दिए। कितने कितने बच्चे थे? बच्चे जो थे ना 2 हफ्ते के हुए थे ना, तो उससे मैंने लादा कर दिए थे। अच्छा तो यार ये तो बड़ी अच्छी गुड न्यूज है यार, हम भी ऐसे ही करते हैं अपनी मुर्गी के नीचे। जब तक मोर अंडे नहीं देता तो मेरा दिल है हम इसके नीचे व्हाइट वाली के नीचे कुछ अंडे रख लेते हैं, जब अंडे दे देगी तो बच्चे लादा कर लेंगे, दोबारा इसके नीचे हम जो है ना अंडे रख लेंगे। क्या कहते हो सैफ, ऐसे ही करें फिर? इस तरह ही करते हैं। तो चले जी इस तरह ही करेंगे, तो वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, तो आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे फेसबुक पेज पाकवर्ड्स को लाजमी फॉलो करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।